रिवेल आज इस वीडियो के लास्ट में हम लोग करने वाले हैं बाबू का फेस का रिवेल एंड उसकी सारी पिक्चर्स एंड वीडियो आपसे शेयर भी करेंगे। भगवान हमको दे दिए, भगवान ऐसे खुशी दिए जिस खुशी का इजहार किया ही नहीं जा सकता। दर्द वाली वही वीडियो दादा कॉफी कितना देना था हमें? छह बूंद, सब छह ही बूंद होगा ना। अभी छिछी किया है, अभी जुजू किया है, अभी दूध भी पिया है। सारा काम साथ में होता है इसका। आज हमारा रिचुअल्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो तक कंफ्यूजन है बाबू का नाम के लिए कि हम लोग नाम क्या रखें। रुद्रांश कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग शिवांश बोल रहे हैं, बट पता नहीं। पूजा क्या नाम रखा जाए बाबू का? मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि रुद्रांश रखिए बिकॉज आपके नाम से मिलता जुलता है, बिकॉज रुद्र कांश रुद्रांश एंड शिवांश भी अच्छा सेम, मतलब दोनों का मीनिंग मुझे सेम है। छः दिन कंप्लीट होने के बाद बाबू का कैसे पूजा होता है और यहाँ पे कैसे छठी मनाया जाता है, तो जिन जिनको ये देखना है वो वीडियो को कंटिन्यूअस देखेंगे। एंड ये वीडियो बहुत लंबा भी होने वाला है मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें होने वाले हैं। एंड पूजा का मेकअप भी होगा बिकॉज कितने दिनों से ये मेकअप नहीं कर रही है। बेबी भी कोई नया कपड़ा नहीं पहन सकता है, तो बेबी भी कल न्यू कपड़ा पहनेगा, वो भी अपना नहीं पहन सकता, किसी दूसरे का दिया होगा। हमारे यहाँ का ये नियम है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, केम छू एंड भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रहुआ सब। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में एंड हमारे इस न्यू ब्लॉग में भी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज हम करेंगे अपने बाबू का फेस रिवेल। आज इस वीडियो के लास्ट में हम लोग करने वाले हैं बाबू का फेस का रिवेल एंड उसकी सारी पिक्चर्स एंड वीडियो आपसे शेयर भी करेंगे। एंड बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, तो बिकॉज हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स है, इसके वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। कुछ लोग हमें समझ पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भैया कोई बात नहीं। बहुत से लोग निगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, बट कोई नहीं, उनको भी उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ जिनको बुरा लग रहा है। बहुत सारे गेस्ट जो इसमें शामिल होने वाले थे वो लोग आ भी चुके हैं। फर्स्ट तो हमारी मासी आ चुकी है, तो मासी से आपको मिलाएंगे। और कुछ तैयारी हो रही है पार्टी का। बहुत सारी वीडियोज में ये बोला डैट बाबू के लिए लाइक करने के लिए, बट इसमें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे कि बाबू का फेस रिवील कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियोज़ को कम से कम लाइक, जितने लोग हमारी वीडियो को देखेंगे उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बाबू का फेस रिवील हो रहा है तो उसको एक छोटा सा गिफ्ट दो आप, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। सर रीति रिवाज भी होता है, तो अगर उसको आप देखना है तो वो वीडियो मैं कल डालूंगा। इसमें ओनली फॉर बेबी का फेस रिवील करने वाले हैं और हम लोग छोटा सा डेकोरेशन करने ट्राई करते रहे। आप लोग आज तो बाबू का फेस दिखा सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ी देर में आपको फेस दिखा देंगे एंड आप देख सकते हो। एंड हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स चालू हो चुके हैं रीति रिवाज। इस पर और कोई बीत होता है नहीं ना? चलो बीत खाली कर लो ना, बीत जो है खाली बीत हमको दे था नहीं, बुआ आने से पहले कर सकती थी ना। हाँ, मुझे पता था कि उस दिन बुआ आने वाला है। तुम कहाँ हम बोले रहे थे? उस दिन गुरुवार था और यही शुक्रवार को हुआ है। गुरुवार को ना काटते हैं तो उसी। पापा नेक नानी नेक दीजिए। मिल जाएगा मिल जाएगा। घर वाले कहते थे तब बेटा सो गया, मिट्टू सो गया, पैर में ठंड लग रहा है। कोई नहीं, हमको नहीं लग रहा। सोना सोना बेटे, सोना के बदले सोना चाहिए। पहले ये दे दीजिए। ये देखिए सार्थक का पैर रंगा रहा है। सार्थक पैर क्यों रंगवा रहे हो तुम?
पार्टी फंक्शन करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसे सामान होते हैं जो आप कितना भी याद कर लो बट वो मिस हो जाते हैं, तो वही मिस हो गए थे। आप देख सकते हो पीछे कितने सारे सामान हैं जो, तो एक्चुअली मैं वो लेने आया था एंड ले लिया हूँ, अब घर की तरफ निकल रहा हूँ और टाइम लगभग अभी 1 बजने वाले हैं, तो चलते हैं घर की तरफ। चल रही है नानी की बोली पहचानता है बस। मेरे को जो हम जाने पर रोने लगता है। कहो सुन ना बाबू, सड़ल बाबू सड़ल, तो वीडियो बना रहा है उधर दोनों पापा मम्मी ना आधा आधा। तो कन्हैया कैसा लग रहा है तुमको? बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है मुझे कि मैं फिर से छोटे पापा बन गया और एक और बच्चा आ गया मेरे घर में जो छोटे पापा मुझे बोल के बुलाएगा। बाबू कैसा लगा, दादी बनने कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम दादी बने। क्या फीलिंग आ रही है? बस वर्ड नहीं है बताने के। लोग बोलते हैं हम लोग इसको एंड सुगम भी इसका नाम है। घर में इतना सा बच्चा आया है और चाचू बन के आपको कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। घर में मेरे पास सबसे छोटा मेहमान आ चुका है एंड मैं इसको मतलब सेकेंड डे फर्स्ट बार टच किया था तो उसमें बहुत अच्छा फीलिंग आया था। आई वुड लाइक कि मैं फ्यूचर को टच कर रहा हूँ। फ्यूचर एंड बहुत तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी। लाइक बाबू दादू भाई बाबू का क्या नाम रखा जाए? बाबू का सुखा सुखा सिंह लोग पूछ रहे हैं क्या रखा जाए नाम? फैसला कीजिए। बाबू जाग जाओ, आ जाग जाओ ना, शांति के नींद में क्या चीज बउआ के लेके सौर उत्तर की तरफ इधर घुमा के ठीक है। तो आज इसका नाम शिवांश रखा जाए, शिवांश भी रहेगा और प्यार से हम इसे रुद्रांश भी बोलेंगे। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी दुनिया की सारी खुशियां भगवान हमको दे दिए। भगवान ऐसे खुशी दिए जिस खुशी का इजहार किया ही नहीं जा सकता है। भगवान इस रूप में हमको ऐसी बहुत बड़ी खुशी दिए जिसका शब्दों में ब्याह किया ही नहीं जा सकता। बाबू